हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी निकिता और आज मैं आपको बताऊंगी भापा दोई की रेसिपी। इसे हम भापा दोई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दही को हम भापते के बनाते हैं और आज मैं आपको सिखाऊंगी 4 फ्लेवर भापा दोई। तो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मैंने बाहर से लिया है, मार्केट वाला। अगर आप चाहें तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप खट्टा दही। आप हंग कट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मसलन क्लोथ पे दही को अच्छे से गाढ़ के रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, लाइक आधे घंटे के लिए, और उसके बाद उस दही का इस्तेमाल करें। बट ट्रस्ट मी, इस रेसिपी के लिए आपको हंग कट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल कट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डब्बा वाला हो या फिर मिठाई के दुकान वाला हो, बस वो दही टेस्टी होना चाहिए। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी 1/4 कप मिल्क, सो दैट जब हम इसे मिक्स करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा बैटर बन जाए और ये बहुत ही स्मूथ रहना चाहिए, इसलिए इसे बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे। उसके बाद मैं इसे 4 छोटे छोटे बोल भी निकाल दूंगी बिकॉज मैं यहाँ पे भापा दोई फ्लेवर्ड वाला बनाना जा रही हूँ, जिसके लिए मैं 4 कटोरे में निकाल रही हूँ। अगर आप फ्लेवर्ड नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी बेक कर सकते हैं, एंड इवन ऐसे बेक करने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट हाँ, किसी किसी को फ्लेवर्ड बहुत पसंद है और ये कुछ यूनिक भी है, सो आई थॉट कि क्यों ना कोई फ्लेवर्ड भापा दोई बनाया जाए। तो इस तरीके से मैं 4 बोल में निकाल दे रही हूँ प्रॉपरली, और इसका कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं, तो आपको भी कुछ ऐसे ही बनाना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप जो मिल्क है वो 1/2 कप से थोड़ा सा कम मिल्क ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें फ्लेवर डालेंगे, तो सबसे पहले हम डालेंगे कीवी फ्रूट का फ्लेवर। तो मैंने यहाँ पे कीवी लिया है, जस्ट उससे ग्राइंड कर लिया है एक पूरा कीवी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इवन ये कीवी है और कीवी से बहुत अच्छा कलर नहीं आया है बिकॉज वो जो ग्रीनिश कलर आना चाहिए वो नहीं आया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी ऐड करूँगी। आप चाहें फूड कलर तो अवॉइड कर सकते हैं, बट ये फूड कलर बिल्कुल ही फूड कलर है और ये जेल कलर है, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो सेकेंड फ्लेवर है उसके लिए मैं लूँगी कॉफ़ी। ये कॉफ़ी पाउडर है जिससे, जो कि इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, और इसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये जो हमारा सेकेंड फ्लेवर है वो कॉफ़ी फ्लेवर है। कॉफ़ी फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एंड जिसे मतलब जो भी कॉफ़ी लवर है उसके लिए ये भापा दोई इट्स अमेजिंग। और ऐसा डिज़र्ट अगर हम लोगों को मिले तो हम लोग तो इसे बहुत तुरंत ही खा लें। और ये भापा दोई बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थर्ड जो फ्लेवर है वो है पिस्ता बादाम फ्लेवर, इसलिए मैं इसमें आलमंड्स डाल रही हूँ और पिस्ता बादाम डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलमंड्स को ब्लांच करके उसका छिलका उतार लिया है और सेम ग्रीन पिस्ता के साथ भी वही किया है, और दोनों उसमें मिक्स कर दे रही हूँ 2 बिग फोर स्पून। उसके बाद जो लास्ट हमारा बोल है उसमें मैं डालूँगी केसर फ्लेवर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे केसर का कलर लिया हुआ है, केसर फूड कलर, और वो इसमें डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो मैंने 2 लिया है कुल्हड़ के शेप का और 2 लिया है ऐसे नॉर्मल कांच का, जो दोनों ही है वो देखने में बहुत खूबसूरत है और मैं उसी में ही बेक करूंगी। तो हम इसे कुछ इस तरीके से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये कॉफ़ी वाला, और आप देख सकते हैं कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ गए हैं, तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये पिस्ता बादाम वाला है और इसके अंदर बहुत सारे मैंने आलमंड्स और ग्रीन पिस्ताशियोज डाला हुआ है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कीवी फ्लेवर, जो अगेन कीवी का खट्टास और दही और कंडेंस मिल्क का मिठास, ये बेक होके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डालेंगे केसर फ्लेवर भापा दोई, जो अगेन खाने में अमेजिंग है।
अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ डेकोरेट कर देंगे, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आलमंड्स और ग्रीन पिस्ता। कॉफ़ी वाले के ऊपर कॉफ़ी के पार्टिकल्स आ गए हैं तो उसके ऊपर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही ब्यूटीफुल लग रहा है। कीवी के लिए मैं डालूँगी चॉप्ड कीवी, और जो केसर वाला है उसके ऊपर क्या डालना चाहिए, केसर, तो मैं उसके ऊपर बहुत सारा केसर डालूँगी। अब इसके बाद हमें इसे भाप देना है, तो उसके लिए मैंने एक बड़े से कंटेनर में पानी छोड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक कटोरा रखा है और उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है और ये पानी बिल्कुल उबल रहा है। इसी उबलते पानी के ऊपर ही हमें ये डाल देना है, कुछ इस तरीके से रख देना है। और इसे कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट तक बेक करना है। और 15 मिनट के बाद हम इसका कवर खोलेंगे और ये पूरा अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से सख्त हो गया है और इसे हम रेफ्रिजरेट कर देंगे 2 घंटे के लिए, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसलिए मैं फ्रिज के ऊपर इसे रेफ्रिजरेट कर दूंगी। एंड नाउ गाइज, हमारा भापा दोई बनके बिल्कुल ही तैयार है। गाइज, अगर आपको मेरी ये ईजी रेसिपी अच्छी लगी तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। बाय बाय गाइज़।